अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेसन्स के अंदर आपने ये देखा कि हमने अपने मॉडल्स को, मुकम्मल मॉडल्स को कैसे रिसाइज किया। अब इस लेसन में आपको ये बताऊंगा कि आप वॉल कैसे लगाते हो। बेसिकली इसका ये मकसद नहीं है कि आपको वॉल लगाना नहीं आती, डेफिनेटली आपको वॉल लगाना आती है, आई नो, और आप लगा भी चुके हो, मुकम्मल प्रोजेक्ट बना भी चुके हो। लेकिन जब आपके पास एक मुकम्मल प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर आपको हर एक 3D मॉडल को लेकर जाना, सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम अपने पास आउटर अलग-अलग बनाते हैं, इनर अलग-अलग बनाते हैं, हर चीज़ को अलग-अलग फाइलें बना लेते हैं। बाद में इनकी वीडियो बनाने के बाद इनको एक जगह पर ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे उस वक्त जब हम इसका वीडियो बनाते हैं, हमको ऐसे दिखाई देता है जैसे कि एक ही प्रोजेक्ट आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उसकी फाइल्स अलादा अलादा आपस में ज्वाइन की जाती हैं। समझ गए आप मेरी बात? मींस अगर आपके पास एक रूम है, तो उस रूम को मिसाल के तौर पर उस रूम का साइज है 12x12 फीट। अब जस्ट आप ये सोचें उस रूम के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। आपके पास आपका बेड आ रहा है, आपके पास आपका सोफा आ रहा है, और एक चेयर आ रही है। तो उसके लिए आप नॉर्मली अपने पास फ्री स्टाइल में, जैसे कि मैंने इससे पहले के लेसन के अंदर किया था, फ्री स्टाइल के अंदर एक प्लान बना डाला और वहां पर मैंने कुछ चीजें अपनी अपनी जगह पर रख दी, एक सेटिंग बन गई है। फिर उसको हम क्या कर देते हैं, वो रूम हम उसको दिखाते हैं कि ये आपका रूम है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 12x12 फीट का रूम है, आप उसके अंदर 50 चीजें जाकर घुसा दें, ये भी तो गलत है ना। इस चीज को आपको थिंकिंग करना होगा। एनी ऑफ, आपने रूम बनाया, अब इसके ऊपर मैंने करना क्या है कि इसके चारों तरफ मैंने दीवार लगानी है, फिर इसके साथ मैंने इसको विंडो एडजस्टमेंट करनी है, और देन फिर मैंने इसके साथ एक डोर लगाना है। अब ये तमाम काम कैसे करना है, आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट ओपन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली टॉप व्यू पे चला जाना है। ये सबसे पहला काम आपने करना है। आप टॉप व्यू में जाएंगे यहाँ पे, और टॉप व्यू में जाने के बाद अपनी स्नैप्स की सेटिंग्स को देखें, राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर एजेस पॉइंट है, मुझे वेक्टर्स चाहिए होगा, ठीक है, और इसी तरह से मुझको यहाँ पर 2.5 चाहिए होगा, और आप अपने पास एक क्या लेंगे, SP लाइन ले लेते हैं। आप इसको बता देंगे आपने कहाँ से स्टार्ट कर, और याद रखें जब भी आप ये काम करेंगे, आपको ये जो रूम है वो जो हमने ग्रुप बनाया था, इसको आपको अगेन अनग्रुप कर देना होगा। अच्छा, अब आप एक क्लिक कर दें, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक कर दें। अब आप इसे ये बताएंगे कि आपके पास आपकी SP लाइन कहाँ कहाँ से आ रही है, इसको आप क्लोज कर दें, यस। इसका फायदा क्या है, अगेन अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर चले जाएं तो देखें आपके पास बिल्कुल ये प्लान के साथ साथ आपकी लाइन आ चुकी है। अब मुझको दीवार बनानी है, तो आप अपने पास यहां पर आ जाएं, आपके पास है AEC और यहां पर वॉल आपके पास, ठीक है। आपको वॉल की विड्थ कितनी चाहिए, मैंने कहा दिया मुझको चाहिए तकरीबन 24, और उसकी हाइट जैसा कि लास्ट टाइम मैंने उसको जो रिसाइजिंग किया था उसको मैंने 800 में लाकर परफेक्ट छोड़ दिया था, इसलिए मुझको भी कितनी चाहिए, यहाँ पर 740 की चाहिए। और आप कीबोर्ड एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास है पिक। अच्छा, आप इसकी मजीद स्केलिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मेथड आपको मालूम हो चुका है। अच्छा, आप चले जाएंगे यहाँ पे पिक, पिक SP लाइन पे चले गए, और SP लाइन पे जाकर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखें आपके पास चारों तरफ एक बॉक्स, मीन आपके पास आपकी दीवार बनी हुई आ चुकी है, ठीक है। अब दीवार तो बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर आप विंडो लगाना चाह रहे हो, आपको डोर लगाना है, तो विंडो में इस साइड पे लगाऊंगा, और डोर को मैं कुछ इस जगह पे लगाना चाह रहा हूं। तो अब ये काम कैसे किया जाता है देखते हैं। आपने बॉक्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt और Q का बटन प्रेस करते हैं आप, तो आप एस्ट्रोमेटिक व्यू के, आइसोलेटेड व्यू के अंदर चले गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर F3 प्रेस कर देंगे, आपके पास आपकी वायर दिखा देंगी, और इसी तरह से आप स्नैप्स के पर आके अपने आप को 3 ले लेंगे, और यहाँ पे वेक्टर्स को खत्म करके एजेस पॉइंट आप ले लें, ये आपने सेटिंग बना देनी है। इससे होगा क्या, देखें ये मेरे पास आप ये दाएं वाले सिलेक्शन आ रही है, ये देखें मैं अगर इसके करीब जाऊं तो ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये देखें ये आपके पास आपके वे एजेस आ चुके हैं। और यहां पर चल जाएं, अब अपने पास सबसे पहले हम विंडो लेना चाहेंगे, तो विंडो कौन सी विंडो लेना चाहेंगे, आपके पास मुख्तलिफ विंडोज है, मैं फिक्स विंडो लेना चाहूंगा। आप विंडो का तरीकेकार क्या होता है आप बताएं, ऐसे आपको कहां से ड्रॉ करनी है, मैं कहता हूं मुझे यहां से यहां तक आ जाए, माउस को होल्ड रखते हुए और माउस को छोड़े आगे की तरफ जाएं, क्लिक किया, अब हाइट इसे डिफाइन करें आप। मैंने इसको यहां पे देखें, आप इसको बता दें आपको कितनी हाइट चाहिए, और मैं इसे कहता हूं मुझे यहां पर तकरीबन लगभग ये हाइट चाहिए,
अब आपने ये हाइट दे दी, आप इधर आ जाएं यहाँ पे, इधर टाइप ही कर सकते हैं, कहते हो मुझे 400 की हाइट चाहिए थी और मैं मूव पे चल जाऊंगा, स्नैप्स को ऑफ कर दूंगा। ऑफ कर देने के बाद अब आप इसको जिस तरह ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिएगा अपनी ये सेटिंग करता जाएगा। अब जैसे मैं इसको इधर लेकर चला गया यहाँ पे, अब सिंपली आप F3 प्रेस कर दें। मैंने F3 प्रेस किया और आप इसको चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था अपने बेसिक्स लेसन के अंदर, आपको विंडो के अंदर जब आप वॉल बनाते हैं तो आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखें, इसने इसको दोनों तरफ से आपको कट्स बनाकर दे दी यहाँ पे, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर भी है और ये ज्यादा बेहतर आपको डोर के अंदर इंशाल्लाह डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास है। अब इस तरह से आपके पास आपकी विंडो सिलेक्टेड है, मैंने विंडो को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इधर मॉडिफाइड पैनल पे चला गया हूँ। आप कहना चाहते हैं इसके पैनल कितने होने चाहिए, मैंने कहा मुझे 3 इसके पैनल्स और 3 वर्टिकल्स पैनल्स चाहिए। तो ये देखिए, अगर मैं आपको इस व्यू में दिखाई दूं तो आप देखिए आपको ये नजर आ रहा है 1 2 3 4, यानी हमने ये अपनी विंडो बना डाली है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो क्या है, डोर। तो डोर को बनाना चाह रहा था मैं इस कॉर्नर पे, ठीक है, तो मैं इस कॉर्नर को अपने पास ले आता हूँ जहां पर आप डोर बनाना चाहते हैं। F4 को मैंने ऑफ किया और मैं इधर अपना डोर बनाना चाह रहा था। अगेन इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, वही चीजें दोबारा रिपीट की जाएंगी। सबसे पहले आप अपने पास F3 प्रेस कर देंगे, आपको ये नजर आना चाहिए व्यू, और उसके बाद अपने स्नैप को एक्टिव कर दें। एस प्रेस करते हुए स्नैप आपका एक्टिव हो जाएगा, मेक श्योर कि आपके पास ये क्या हो, एजेस का हो सिलेक्ट, और यहां पर आप चले जाएं अगेन और आपके पास है डोर की ऑप्शन। आप डोर को उठा लेंगे, इसमें से कौन सा आपको डोर चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के डोर हैं, तो अगेन डोर का भी यही तरीकेकार होगा। आपको एरिया बताना है, सबसे पहले आपने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी है, और फिर आपने इसकी वेथ, और देन फिर आपने इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं नियर अबाउट यहाँ पर ऐसे 500 की हाइट देना चाहूंगा, ये मैंने इसको हाइट यहाँ पे दे डाली है, ठीक है। अब हम F3 अगेन प्रेस कर देते हैं, मेरे पास ये आ गया और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये डोर ओपन हो रहा है, मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, अंदर की तरफ ये ओपन होना चाहिए, तो मेरे पास ये मेरा डोर ओपन हो रहा है यहाँ पे। अब आपके पास अगर आपको डोर की लेंथ वगैरह को कम करना है या ज्यादा करना है, सबसे पहले स्नैप्स को एक्टिव कर दें। स्नैप्स को मैंने डीएक्टिव किया और अपने व्यू में चले जाएं। क्यों, हमने ये देखना होगा कि हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल व्यू है वहां पे ये क्या डोर कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, ये है, और डोर के ऊपर ही आप नजर रखिएगा। इसको मैं 90 डिग्री दे देता हूँ। 90 डिग्री जब मैंने दिया तो देखा मैंने यहाँ पे मेरा डोर कुछ मेरी जहां पर ये जो टेबल मैंने बनाई थी इसको टच कर रहा है, तो मीन्स आपको इसकी विड्थ को कम कर देना होगा। देखिए मैं इसकी जैसे जैसे विड्थ कम कर रहा हूँ दोनों तरफ से कम हो रही है, मेरे पास वॉल वाली तरफ से भी कम हो रही है और मेरे पास देखिए डोर अपनी तरफ भी विड्थ को कम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वापस आप इधर आ जाए, आपके पास इसकी फ्रेम्स आ जाती हैं। अब अगर आपको इसकी फ्रेम को ज्यादा मोटाई देनी है तो फिर आप ये वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको मोटाई देना चाह रहे हैं, तो अब ये तमाम चीजें आपके पास यहाँ पर आपके कंट्रोल में है। इसको जैसी आप वैल्यू देंगे उस तरह की आपके पास इधर वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये रही, ठीक है, ये है, और ये देखिए मैं इसके एडजस्टमेंट बना लेता हूँ कुछ, मैंने सुधार दिया इसको 15 तक आप लेकर आ जाए, ये इसको 15 तक लेकर आ गया, ठीक है। तो हर किस्म की सेटिंग आप इधर सब दे सकते हैं इसके लिए, हर किस्म की सेटिंग आप। मैं अगेन इधर आ गया नीचे, मैं जस्ट इधर पैनल्स बनाना चाहूंगा, मैं कहता हूँ मुझे 2 से 3 पैनल्स बना डाले, तो ये मेरे पास अब मेरे डोर की सेटिंग भी हो चुकी है। और सिंपली अगर आपको छत डालना होगा इसका, पहले कंट्रोल एस कीजिएगा, छत के लिए सिंपल सी बात है, आपने करना कि अपने पास अगेन एक बॉक्स के ऊपर चले जाएंगे और टॉप व्यू अपने पास उठा लेंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद हम बिल्कुल छत को ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि हमें इसको जो दिखाना होता है वो बेसिकली अंदर से दिखाना होता है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे गया, बल्कि लेफ्ट व्यू पे चले जाएं ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये रहा आपका छत भी आ गया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने अगर आपको कैमरास का यूज़ आपको आपने देखा था कि हमने आपको एक लेसन के अंदर कैमरा का यूज़ बताया था डिटेल से, आप उसका अगर आपको लेसन याद है तो उसकी बेस से फिर आप ये तमाम सेटिंग इजीली कैमरा के थ्रू कर लेंगे, ये देखिए
मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं अभी अपनी सेटिंग बना रहा हूँ। ये देखिए ये है, यहाँ पे रहा और ये मैं इसकी सेटिंग बना लेता हूँ। पहले इसी का पर आ जाए, कैसे मैंने किया, ऑल्ट और माउस मिडल के बटन के थ्रू देखिए इसकी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि मुझे इसकी क्या एरिया एडजस्टमेंट चाहिए होगा यहाँ पे। और इधर आ जाए फील्ड व्यू के अंदर और यहाँ पर आप इसको खींच लें पीछे की तरफ। फील्ड व्यू का यही फायदा होता है कि आपको एक कमरे के अंदर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट करके बता दिए। देखिए ये देखिए ये देखिए, अब देखिए पहले आप इसको ठीक तरह से देख नहीं पा रहे थे, अब आप लगभग कमरे को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं अगेन ये देख, अब ये सेटिंग्स आपको करनी होती है क्योंकि जब मैं इसके ऊपर कैमरा लगाऊंगा तो मैं परफेक्ट देख पाऊंगा। ऐसे ही देखिए ये देखिए ठीक है, थोड़ा सा और मुझे आगे जाना होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप अपने रूम की एक मुकम्मल सेटिंग कर देते हैं। अब आइंदा वाले लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये देखते हैं कि अब इस तमाम के ऊपर हम लोग मटेरियल कैसे अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए तमाम सेटिंग हमने देख ली यहाँ पर कि हर एक चीज को कैसे हम लोग शो करेंगे, लेकिन जब हम इधर कैमराज लगाएंगे हमारे कैमरा और हमें बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो मेरे पास कैमराज नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली जो है इन्हीं व्यूज के तहत सेटिंग कर रहा हूँ। ये देखिएगा ये देखिए अब मच बेटर, देखा आराम आराम से आपको आखिरकार वो पॉइंट मिल ही जाता है जिसकी आपको तलाश होती है। अब ये वो पॉइंट है जहां से मैं अपने रूम को बड़ा इजीली, और ये फील्ड व्यू की मदद से हो रहा है तमाम, और ऑल्ट बटन और माउस का मिडल बटन का यूज किया जा रहा है। देखिए कितना आप आसानी से हर तरह से अपने रूम को अब देखिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये देखिए आखिर मुझे वो व्यू मिल ही गया जो मेरे मुकम्मल रूम को मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिए हर एक चीज अपने इस रूम के अंदर देख सकते हैं इजीली। ये देखिए ये देखिए, चले यहां पर जाकर एक रेंडर बना लेते हैं। मैं यहां पर आ गया और डेफिनेटली ये देखिए मुझे ये व्यू चाहिए। लेट्स से एक और काम जो आपने करना है वो क्या है, जो भी आपको व्यू पसंद आ जाता है उस व्यू को आप जाके अब अपने पास एडिट में जाके इसको आप होल्ड कर देते हो। होल्ड का फायदा क्या होता है, होल्ड आपके व्यू को सेव कर देता है। लेट्स से कि अभी आप यहाँ पे हो, आप कहते नहीं मुझे वापस वही चाहिए था, अब इसे फेच के ऊपर दोबारा क्लिक कर दें, यस फेच कर दें, तो ये क्या करेगा अगेन आपको देखिए उसी व्यू के ऊपर लेकर आ चुका है। लेकिन ये चीजें मैं आपको अपने बेसिक्स लेसन के अंदर तमाम एक्सप्लेन कर कर आ चुका हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये है और आपको इसका रेंडर चाहिए, अब थोड़ी सी रेंडरिंग सेटिंग करते हैं। हम रेंडर के ऊपर जाएंगे और रेंडर का डायलॉग बॉक्स को मैंने ओपन किया। मैं कहता हूँ मुझे फुल साइज चाहिए होगा, इससे भी आप बड़ा साइज ले सकते हैं, और रेंडर पर क्लिक कर डालें। जैसे मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया मेरे पास कुछ मटेरियल की ऑप्शन मुझे दे रहा था। तो स्टूडेंट्स अब तक का हमारा रूम कुछ हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनशाला नेक्स्ट लेसन के अंदर इसी के ऊपर मजीद काम करेंगे, मटेरियल अप्लाई करके मैं आपको दिखाई दूंगा कि हमारा मजीद काम कैसे हो रहा है। ठीक है, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक्सपी अकेडमी की जानिब से आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोज की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343-901-7779 पे और ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है xpacademy। फेसबुक पे जाके हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।